दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं। डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करे। आने वाला 12 जून बिहार और देश की सियासत के लिए एक बड़ा दिन है। जी हाँ, इस दिन बिहार के राजधानी पटना के बापू सभागार में एक बड़ी बैठक होनी है। ये बड़ी बैठक होगी पूरे देश के तमाम विपक्षी दलों की, देश के तमाम वो दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, वो तमाम दल एक साथ होंगे, एकजुट होंगे और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से 2024 में देश की सत्ता से उखाड़ फेंकना है, इसको लेकर 12 जून को रणनीतियां बनेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन इसको लेकर अब सियासत ज़रूर शुरू हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल अभी केंद्र में सत्ता में है और बिहार में विपक्ष में है, वो अब इस बैठक का विरोध करेगी और बैठक के विरोध को लेकर उसने मन बना लिया है। और सीधे तौर पर जो 12 जून को ये बैठक महागठबंधन की होनी है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये साफ कहा है कि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में डर समाया हुआ है और इसी वजह से तेजस्वी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बैठक का विरोध कर रही है। क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले हम आपको सुनाते हैं। सब किसी को मना है, आने से लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी जाए तो उस पर क्या दिक्कत है। 12 जून के बाद ही काफी वो लोग बता रहे हैं कि 12 जून के बाद ही अच्छी होने दीजिए ना भाई। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ लहजों में कहा है और ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। 2024 को लेकर जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, जो विपक्षी एकता हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को ये डर समाने लगा है कि 2024 में हमें सत्ता से हटा दिया जाएगा, और इसी डर को लेकर वो इस बैठक का विरोध कर रही है। लेकिन इस बैठक में बड़ी चर्चाएं होंगी, बड़े फैसले होंगे और ये बैठक जो है आगामी चुनाव में इस बैठक के सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, एच डी न्यूज़ पटना।